थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व में आज थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मात्र 24 घंटे में स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर लुटेरे आशुतोष पुत्र ऋषिपाल, शुभम पुत्र सेतपाल, सीटू पुत्र नरेंद्र उर्फ टीटू को भांकला रेलवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल व लूटी हुई स्कूटी बरामद की गई। जी, कल शाम को ये 112 को सूचना मिलती है कि रामपुर मनिहारन क्षेत्र में एक्टिवा को दो लोग अज्ञात व्यक्ति आए और मोटरसाइकिल पर और वो एक्टिवा लूट के ले गए। पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे घटना का अनावरण किया और जो घटना में अनावरण करने के बाद वो आज एक्टिवा भी बरामद कर ली गई है और उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं तीनों वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें रोचक बात ये रही थी कि ये जो वादी था, वादी के दोस्त ने, जो आशुतोष जिसका नाम है, जो अभियुक्त है हमारा, उसी ने वादी को बुलाया था और एक्टिवा पे लेकर वो उसको घूम रहा था और उसी के जो दो अभियुक्त बाकी हैं वो उसी के दोस्त थे, तो उसी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था कि जब मैं अमन को लेके जाऊंगा जो वादी है और उसकी एक्टिवा को ये दो लोग आके वहाँ से लूट कर लेंगे। तो इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है और जो तीनों इसमें मुख्य अभियुक्त हैं उनको आज कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेजा जा रहा है। नहीं, हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करी गई थी जिसमें दो लड़के आए थे, बाकी अभियुक्त जिनको बुलाया गया था वो घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी हमने बरामद कर ली है।